हवा लैंड की तरफ से चल रही है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, आप मेरी टी शर्ट को देखना, ये तो हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से। तो ये देखो टी शर्ट उस तरफ उड़ रही है। तो सही में पूरी में बहुत मतलब सब कुछ उल्टा है। तो हवा इस तरफ से चल रही है, मतलब लैंड की तरफ से जा रही है समुंदर की तरफ। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं उदित राणा। बाकी अभी हम हैं फिलहाल उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में और हम करने वाले हैं टोटल जगन्नाथ जी के दर्शन। और वहाँ मैं बताऊँगा कि मतलब आप लोग भी किस तरीके से विजिट कर सकते हो और कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है करके। बाकी यहाँ पर टूटू चिल्के एंड डॉल्फिन्स ये पूरा दिखा रखा है ना, जहाँ पर हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पॉट्स, जो कि 300 रुपीस में पूरा बस घुमाने के लिए लेके जाएगी। बाकी यहाँ पर मुझे बता दिया था कि मतलब आप 300 पे करके बस से ट्रैवल कर सकते हो, बाकी आप हर चीज़ ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम जाने वाले हैं जगन्नाथ जी के यहाँ, तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं, तो नाश्ता नहीं किया था, वीडियो वगैरह एडिट किया, तो अभी नाश्ते के लिए देख रहा हूँ। नाश्ता क्या, आप सीधे लंच ही करना है, तो लंच के लिए देख रहा हूँ यहाँ पर कोई मिलता है तो। दोस्तों मैं यहाँ पर बैठा हूँ नाश्ता करने के लिए, मतलब लंच भी है, तो एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट टाइप का है। तो बाकी आ रहा है हमारा, करते नाश्ता। तो लंच आ चुका है हमारा, तो ये लंच करते फिर बाकी का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ जगन्नाथ टेम्पल की ओर, और मेरे रूम से जहाँ पर मैंने रूम लिया है वहाँ से टेम्पल 46 मिनट की दूरी है, तो मैं पैदल ही निकल पड़ा हूँ। बाकी जो जो आप लोग यहाँ से इतनी दूरी में है तो ऑटो वगैरह भी चलते हैं, तो 20-20 रुपए में वहाँ तक पहुँचा देंगे। रेलवे स्टेशन के अगल बगल ही अगर आप रूम ले सकते हो तो अगल बगल रहना, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से, आई थिंक 3 किलोमीटर की दूरी पर टेम्पल। तो मैं इसीलिए दूर रुका क्योंकि मुझे बजट होटल चाहिए था, तो यहीं पर था। बाकी बजट होटल मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कम से कम ऑफ सीजन में 300 रुपये तक होगा, तो वो सारी चीज़ें है। अभी सीजन चल रहा है तो होटल का प्राइस वगैरह सारे के सारे होटल बुक रहेंगे। फेस्टिवल का सीज़न है पोंगल का, तो सब के सब होटल वगैरह बुक रहेंगे। तो दिसंबर जनवरी फरवरी में मत आना, उसके बाद आप आ सकते हो, फिर उसके बाद आपको रूम वगैरह भी आपके बजट के अंदर ही मिल जाएगा। बाकी चलिए आप चलते हैं थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने स्टॉल में दादी से पूछा कि मतलब यहाँ से टेम्पो वाला कितना लेंगे, वो कह रहे कि मतलब टेम्पो वाला झगड़ा करेगा, कम से कम 150-200 लेगा, इससे बढ़िया है यहाँ से आप सिटी बस लो, वो तो 15-20 रुपये में आपको वहाँ तक छोड़ देगा। तो जब भी आप आओ तो कोशिश करना सिटी बस से ट्रैवल करो, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। दोस्तों मैं मंदिर पहुँचने वाला हूँ, बाकी बहुत सारे जो पिलग्रिम्स है जो भक्त है वो आ रहे हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, बहुत भीड़ हो चुकी है इस रोड में और ये सामने है, और लोग रिक्शे में भी जा रहे हैं, आपको ही आ रहा है। तो इस रोड से होते हुए हमें मेन टेम्पल तक पहुँचना है, चलिए अभी मेन टेम्पल पहुँचते हैं। दोस्तों मैं मंदिर के सामने पहुंच चुका हूं और ये है मंदिर, देखो और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। फाइनली तीसरा धाम भी कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहां पहुंच चुका हूं, तो लॉकर रूम ढूंढना था मैं, तो मेन गेट से एंट्री नहीं है, पश्चिम दरवाजे से जाना पड़ेगा, तो वहीं से जा रहा हूं। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है और ये साउथ गेट पहुंच चुका हूं, अब यहीं से घुसना है। तो ये है कुछ साउथ गेट का द्वार, तो यहीं से घुसना है हमें। पहले बैग रखने का लॉकर देख लूं, फिर चलते अंदर। तो फाइनली दोस्तों मैं दर्शन करके आ चुका हूं। बाकी जो जगन्नाथ जी की जो खासियत है, अब जो ये लहराते हुए झंडा देख रहे हो कि अभी फिलहाल मेरे सामने बदला गया है, तो अभी आई थिंक बदल रहे, तो ये हवा अभी हवा इस तरफ चल रही है और जो ये ध्वजा है ये इस तरफ
चल रहा है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, और दूसरी खास बात यह है कि मतलब इस मंदिर की परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती, और जो यहाँ पर मतलब खाना पकता है वो अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं जाता, ऐसी बहुत सारी खास बात है। और सबसे मेन खास बात यह है कि एक लकड़ी के स्टैचू के अंदर श्री कृष्ण जी का दिल, मतलब जो पांडवों ने दफना दिया था, मतलब श्री कृष्ण जी का दिल जो पांडवों ने समुद्र में बहा दिया था, वो एक लकड़ी के रूप में पूरी के समुद्र में मिले। तो वहाँ यहाँ के राजा ने तब जाके मतलब उनके सपने में आए श्री कृष्ण जी, तो फिर उस राजा ने उस लकड़ी को उठाया, उसके बाद उठाने के बाद फिर यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्थापना किया। और जो ये झंडा देख रहे हो आप, इसे हर दिन बदला जाता है, इफ़ बदला नहीं गया तो ये मंदिर 1800 साल तक बंद होगा, ऐसी मान्यता है। तो बाकी अब मैं निकाल रहा हूँ अपने रूम की तरफ, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो अभी सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है। तो बाकी चलते हैं अब रूम की तरफ, चलते हैं दोस्तों रूम की तरफ, भूख लग रही है, कुछ खाता हो रास्ते। तो ये इतनी भीड़ है ना यहाँ पर, बाप रे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ के बीच के साइड पर, क्योंकि बीच की भी एक अलग ही कहानी है, मतलब पूरी की जो कहानी आया है एकदम सारी की सारी उल्टी है, जो ध्वज वो भी विपरीत दिशा में, और जो यहाँ पर हवा बहती है आमतौर पर समुंदर से लैंड की तरफ हवा आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है लैंड से समुंदर की तरफ हवा जाती है। तो उस चीज़ को फील करने के लिए भी जा रहा हूँ और आप लोगों को भी फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बीच में पहुँच चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये है पूरी बीच, आप देख सकते हो, तो एकदम उल्टा, मतलब हवा भी उल्टी तरफ ही चल रही है, लेकिन काफ़ी रौनक है यहाँ पर, मतलब काफ़ी भीड़ है और रौनक भी काफ़ी है। तो बस यहाँ पर आया था, थोड़ी देर बैठूँगा, फिर उसके बाद में निकल जाऊँगा रूम की तरफ। तो दोस्तों बीच के बगल में ही फास्ट फूड के बहुत सारे दुकानें आपको मिल जाएंगे, तो ये इस तरीके का है। तो बस अब निकल रहा हूँ रूम की तरफ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, तो हवा लैंड की तरफ से चल रही है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, आप मेरी टी शर्ट को देखना, ये तो हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से, तो ये देखो टी शर्ट उस तरफ उड़ रही है। तो सही में पूरी में बहुत मतलब सब कुछ उल्टा है, तो हवा इस तरफ से चल रही है, मतलब लैंड की तरफ से जा रही है समुंदर की तरफ। दोस्तों 7 बजने वाले हैं, तो अब भूख लग रही है, तो आप जाके सीधे वीडियो एडिट करने के बाद सीधे सो जाना है, मैंने और टाइम है नहीं, तो अभी खाना खाते हैं कहीं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा, तो अभी खाना खाते, खाना खाने के बाद सीधे रूम पे जाता हूँ। दोस्तों मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ और रास्ते में फ़ोन का चार्ज डाउन हो गया था, तो वीडियो भी नहीं बना पाया, और साथ साथ अब मैंने खाना भी पैक करवा लिया, अभी यहीं पर खाऊँगा, तो ये खाना मैं पैक करवा के ले आया रास्ते से। बाकी आप सीधे कल सुबह का टूर है, बस से जाना है 300 रुपीज़ का, मतलब साइड सीन है, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और आई थिंक बस चली गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी कह रहे, तो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग, मतलब अभी मतलब फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो पहले ऑलरेडी बुक थे, तो आपको सीधे ही वहाँ जाना पड़ेगा, जब आप कल चेकआउट करोगे तब जाना, क्योंकि मैंने कहा ठीक है फिर कल चला जाऊँगा। बाकी चलो अभी ब्रश वगैरह कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों पूरी का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दो, और मिस्टर गो को सपोर्ट करो, और मिस्टर गो के फैमिली में आप भी शामिल हो जाओ, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस है अदर स्टेट के, तब वो सारी के सारी आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।